आज के इस वीडियो में हम एक डाउट सॉल्व करने वाले हैं, मींस एक एरे का प्रोग्राम बनाएंगे। वो डाउट है अनन्या गुप्ता का। इनका एक डाउट है, मतलब प्रोग्राम में डाउट है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे ऑफ एन कैरेक्टर्स एंड प्रिंट द कैरेक्टर्स विद हाईएस्ट एस्की वैल्यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पहले से बनाकर रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन एरे ऑफ एन कैरेक्टर्स। हमें क्या करना है, सबसे पहला टास्क एन कैरेक्टर्स का एक एरे बनाना है। ओके, एंड प्रिंट द कैरेक्टर विद हाईएस्ट एस्की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक एंड प्लस मैक्स कैर एस्की, मतलब ये बेसिक टास्क हमने ले लिया। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर आता है, पहले प्रोग्राम केवल इतना सा ही है, थोड़ा सा हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या यहाँ पर। जैसे कैर, अगर हम बात करें कैर एरे की, तो ये क्या चाहते हैं कि कोई भी एक कैरेक्टर एरे है जिसमें कोई डेटा है, जैसे डी हो गया, एफ हो गया, टी, एच, ओके, एक्स, एस, क्यू, तो दीज आर द कैरेक्टर्स। अब इनमें से हमें क्या करना है, हाईएस्ट कैरेक्टर का जो ASCII वैल्यू है वो प्रिंट करना है। तो क्या आप बता सकते हो इसमें हाईएस्ट कैरेक्टर कौन सा है? तो इसमें जो हाईएस्ट कैरेक्टर होगा वो होगा एक्स, राइट? और इसकी हाईएस्ट ASCII वैल्यू क्या होगी, जितना मुझे समझ में आया इस क्वेश्चन के बारे में, वो ये है कि नॉर्मली हम एक कैरेक्टर का एरे बनाएंगे जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स एंटर करेंगे, कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, ये वेरीफाई नहीं किया है। ओके, स्मॉल का सबसे बड़ा होता ही है नॉर्मली, अगर सभी कैरेक्टर मतलब दोनों में कंपेयर करोगे फिर भी ऑटोमेटिकली आपका हाईएस्ट कैरेक्टर आ जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ASCII वैल्यू क्या होगा, स्मॉल ए टू जेड का होता है 97 टू 122, तो 122 तो हो गया जेड का, 121 वाई तो 190, तो इसका आंसर होगा 120, 121, 122, तो 97 to 122 इसका ASCII वैल्यू होता है। ओके, वाई मतलब 122, मैं यहां पर लिखकर बता देता हूं, स्मॉल ए टू जेड का जो ASCII वैल्यू होता है वो 97 to 122 होता है। ओके, तो 22 जो है जेड है तो 21 हो जाएगा वाई एंड 20 हो जाएगा x, इसलिए x का ASCII वैल्यू मैंने क्या रखा है, 120। तो पहले क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया, अब इसे फॉर्म करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर का एरे लेना पड़ेगा और वो n कैरेक्टर्स, तो पहले तो n ही हम एंटर कर लेते हैं, int n, ओके, एंटर वैल्यू ऑफ n, n कैरेक्टर्स हमें एंटर करना है। तो n तो हमारे पास आ गया, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, मतलब कितने कैरेक्टर्स हमें एंटर करना है वो पता चल गया, उसे हम कैरेक्टर एरे में लगा देते हैं, char ar इज इक्वल टू char न्यू char n, तो n कैरेक्टर का एरे बन गया, यानी मतलब ar के अंदर आप अब n कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हो। कैसे करेंगे, लूप से। तो यहां पर int i वेरिएबल ले लिया और ये हमने लूप लगा दिया, एंड यहां पर हमने एक मैसेज भी दे दिया, वो मैसेज क्या होगा क्वेश्चन से मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोला है n array for n characters, ओके, तो यहां पर enter ar of i is equal to sc dot next, character input करने का syntax आपको पता होना चाहिए, char at bracket के अंदर 0, ओके, this is the line जिससे कि आप character enter कर सकते हो। ओके, enter character जो भी आपने n value enter किया होगा उतने characters आप enter कर सकते हो। तो enter
कैरेक्टर्स, यहाँ पर अगर उसका नंबर भी प्रिंट करना है, एंटर कैरेक्टर्स 6, यस एंटर 6 कैरेक्टर्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पर। ये अदर वीडियो में मैंने बताया कि कैसे करते हैं, तो स्पेशली ये भी पता चल जाएगा कितने कैरेक्टर्स आपको एंटर करना है, क्योंकि एन अगर आपने 5 एंटर किया तो 5 कैरेक्टर एंटर करना है। ओके, तो एंटर 5 कैरेक्टर्स, ये मैसेज आ जाएगा यहाँ से, 5 कैरेक्टर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ तक का टास्क बहुत ही सिंपल रहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आया होगा। ओके, अगर है तो थोड़ा सा बेसिक्स को कवर करना है। अभी हमने केवल एक ही पार्ट कंप्लीट किया है, वो है इनपुट पार्ट। अब जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट है, दैट इज कैलकुलेशन, हाउ कैन वी गेट द मैक्सिमम कैरेक्टर। जैसे ही हम मैक्सिमम कैरेक्टर गेट कर लेंगे, उसका ऐसी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ओके, तो लूप तो सेम ही लगेगा। मैक्स कैरेक्टर गेट करने के लिए आपको मैक्स वाला जो फंडा है, जैसे एरे के अंदर अगर आपने किया है हाउ टू गेट द मैक्स एलिमेंट, वो काम आ जाएगा। यहाँ पर कैरेक्टर के साथ आपको ऑपरेट करना है, तो इजी है देखा जाए तो। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कैर मैक्स वेरिएबल लेना होता है। ठीक है, मैक्स के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर आप स्टोर कर दीजिए। फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज 0 पोजीशन पर होगा। फर्स्ट कैरेक्टर आ गया, अब हमें इसे चेक करना है, क्या ये जो मैक्स है बड़ा है। अब मैक्स को ना चेक करेंगे, जो भी नया कैरेक्टर आ रहा है, अब पहला कैरेक्टर तो 0 मैक्स में आ गया, यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं 1 से। ओके, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर से। आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ से आइडिया देते चलता हूँ। ओके, जैसे हमारे पास कैरेक्टर्स ये हैं, मतलब कोडिंग में किस टाइप से सोच रहा हूँ वो भी आप सोचते चलिए। ओके, मेरा थिंकिंग पैटर्न क्या है यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो ये हो गया। तो ये जो डी है वो तो मैक्स के अंदर आ गया, हमें कंपेयर किससे करना है, एफ से करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 लिया है। ओके, यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगाने वाला हूँ, एआर ऑफ आई। अब एआर ऑफ आई मतलब 1 में क्या आएगा, एफ। अगर एफ बड़ा है किससे, मैक्स से, तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, मैक्स इज इक्वल टू एआर ऑफ आई। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। एक सिंपल सा फंडा है ये, जो कंडीशन है बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली बस हम ये कर रहे हैं कि अगर बड़ा वैल्यू मिलता है, जो भी हम न्यू वैल्यू लेकर आ रहे हैं, बड़ा वैल्यू मिलता है, उसको सीधा मैक्स में डालते जाइए और मैक्स से कंपेयर करते जाइए। ओके, अब जैसे एफ जो है बड़ा है, तो अब मैक्स के अंदर पहले जो डी आया था, अब क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा एनोटेट करते हुए चलता हूँ। मतलब कोडिंग तो हो गया, बस प्रिंट करना बाकी है। ओके, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैक्स के अंदर सबसे पहले क्या वैल्यू आया, डी। ओके, क्योंकि वो 0 है, 0 पोजीशन पे डी है। अब यहां मुझे सेकंड कैरेक्टर से चेक करना है, एफ से चेक करना है, तो हमने यहां पर चेक किया, तो ए आर ऑफ 1 मतलब आई में 1 है, आई इज 1 राइट, तो 1 पोजीशन पर एफ है, तो F greater than D, condition true, तो अब max के अंदर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ओके, उसके बाद T आएगा, condition true, क्योंकि T भी बड़ा ही है, तो यहाँ पर T आ जाएगा। लेकिन जैसे ही H आएगा तो condition false हो जाएगी, क्योंकि max के अंदर T है और यहाँ पर H है, condition false हो गई। मतलब बड़ा value आएगा तो आपको max में value change करते जाना है, छोटा value आएगा तो आगे निकल जाना है, कोई else part नहीं है इसमें। ओके, तो उसके केस में कुछ नहीं होगा। फिर जो x आएगा, condition true हो जाएगी, x आ जाएगा, उसके बाद तो condition always false रहेगी। तो at the end max में value क्या बचेगा, x। ओके, फिर हम उसे print कर देंगे। ये इसका छोटा सा explanation है, but थोड़ा सा fast भी मैंने किया है। अगर नहीं समझ में आया हो explanation, again comment करो, मैं इसका एक slow version भी बताऊंगा। देखो, दो टाइप के वर्जन रहते हैं, थोड़ा सा फास्ट कि आप मेरे फ्लो में फ्लो हो गए तो समझ में आ गया, अच्छी बात है।
फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को बहुत ही डीप में जाके तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है। ओके तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको समझ में आया या नहीं। तो यहाँ पर हमें आंसर में क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर विद हाईएस्ट एस्की वैल्यू। तो यहाँ पर कैरेक्टर इज मैक्स के अंदर तो कैरेक्टर आ जाएगा एंड उसकी एस्की वैल्यू प्रिंट करना है प्लस डबल कोट्स में इट्स एस्की वैल्यू, जैसा भी आप प्रिंट करना चाहते हो वो उस टाइप से आप प्रिंट कर दो। अब एस्की वैल्यू प्रिंट करने के लिए बस इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो ज्यादा वैसा कोई काम नहीं करना है। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीजर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर नॉर्मल मैक्स प्रिंट हो जाएगा। तो इसे रन करके देखते हैं, यहाँ पर एरर है क्या, सेमी कॉलन नहीं लगाया, कोई एरर नहीं है। तो इसे रन करके देखते हैं, काफी जल्दी बन गया राइट। तो सपोज मुझे 6 कैरेक्टर एंटर करने हैं, तो मैंने एंटर किया 6 एंड में 6 एंटर किया, मैसेज क्या आया, अभी इसे देखो वेरीफाई भी करते हुए चलते हैं। यहाँ पर कोडिंग से बेटर समझ में आता है। अब पहला कैरेक्टर सपोज, और यही कैरेक्टर ले लेते हैं, सपोज डी एंटर किया, एफ एंटर किया, टी एच एक्स एस, अच्छा वो ज्यादा थे, मैंने 6 ही लिया, यहाँ पर 7 है, तो एस तक एंटर हो गया। तो देखो एक्स आया और 120 आया, तो ये उसी टाइप से चला जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये सिंपल कंडीशन है, ये बहुत काम आएगी, मैक्सिमम डिजिट फाइंड आउट करने में काम आती है, मैक्स स्ट्रिंग फाइंड आउट करने में काम आती है, और ये कैरेक्टर एरे में से हाईएस्ट कैरेक्टर फाइंड करने में काम आया है। ऐसे ही न्यूमेरिक एरे में न्यूमेरिक वैल्यूज को भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, वहां पर भी एक मैक्स वाला लॉजिक में आगे खत्म हुआ। तो ये जो लॉजिक है ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे जितना अच्छे से क्लियर कर लो उतना अच्छा है आपके लिए। तो सेल्फ एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करो, इसे ट्राई करो, पुट करो इसमें ऑल वैल्यूज वन बाय वन की, हो क्या रहा है यहाँ पर। ओके रटना नहीं है, लेकिन की कंडीशन को आपने रट लिया, रटने से अच्छा है समझो। ओके समझोगे तो जो गलती होने वाली होगी वो बच जाएगी, नहीं तो ज्यादातर मुझे गलतियां क्या मिलती हैं, मैक्स जिन्होंने रटा होता है ग्रेटर देन ए आर ऑफ आई, कॉमन मिस्टेक। ओके तो ये नहीं करना है, तो ये एरर है। ओके तो अनन्या आपका डाउट क्लियर हो गया, आप मैसेज करके बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।